तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल और एडवांस एक्सेल की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जाना था सिलेक्शन मेथड, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, क्योंकि डेटा सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा सिलेक्शन में हमने जाना है किस तरह से डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम फाइल मेनू बार को हैंडल करते हैं। जी हाँ, हम जो चल रहेंगे मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मेनू बार से क्या होगा पता रहेगा आपको कि आपका कोर्स कहाँ तक पहुंचा है। तो हम मेनू बार में आते हैं और मेनू बार में हम जो है डिस्कस करेंगे क्या कैसे होता है, क्योंकि फाइल मेनू बार फाइल क्रिएशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा बेसिक है बट ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप फाइल को क्लिक करते हैं तो आपके सामने होम का ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन होम आता है। होम में क्या होता है कि एक तो यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक, नया अगर एक्सेल क्रिएट करना है तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा यूज किया गया टेम्पलेट, एक्सेल ट्यूटोरियल्स, ये यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से आपको जो चाहिए ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रिसेंट वर्कबुक जो कि हाल ही में आपने ओपन किया है उसका वर्कबुक मिलेगा, और साथ में पिन और शेयर विथ मी, तीन लिस्ट यहां मिलेगा। तो पहला लिस्ट आपका आता है रिसेंट का, दूसरा आता है पिन। अब पिन क्या होता है, जैसे कि रिसेंट फाइल में मान लीजिए डेटा पी को देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है, मतलब कि मुझे इस डेटा पी जो है हमेशा ओपन करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं 8-10 फाइलें ओपन करूं तो ये लिस्ट अपडेट हो जाएगा ना, जैसे जैसे ओपन करूंगा वैसे वैसे वो नीचे से हटता जाएगा, ऊपर वाला नीचे आता जाएगा और नीचे इस तरह से आता जाएगा। तो अगर मैंने 10-12-15 फाइलें खोल दी तो ये लिस्ट बाहर हो जाएगा या बहुत नीचे चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पिन कर देते हैं। पिन कैसे करना होता है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए पिन हो जाए। तो पिन होने से क्या होता है कि वो लिस्ट में हमेशा ऊपर रहेगा या फिर पिन वाले सेक्शन में रहेगा, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। शेयर विथ मी, जो फाइल मेल के जरिए आपने ओपन किया है, जो आपको शेयर किया गया उसका लिस्ट आपको यहाँ शेयर विथ मी। अब बढ़ते हैं न्यू की तरफ। न्यू पे आप जब आते हैं तो न्यू पे आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह यहां मिलता है आपको। तो न्यू डॉक्यूमेंट यहां आपको मिलता है और उसके अलावा नीचे टेम्पलेट होता है। अब टेम्पलेट क्या होता है, देखिए ये बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कैलेंडर बनाना है। अब कैलेंडर बनाने का फॉर्मेट थोड़ा सा टिपिकल है या फिर थोड़ा सा क्रिटिकल है या फिर आपको आता नहीं है या बना नहीं पाएंगे, आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि भी होता है रिपोर्ट में आपको बुला दिया कि बैलेंस शीट बनाइए, कैलेंडर बनाइए, तो आपने इससे पहले कोई बनाया ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे बनाऊ मैं इसको। तो उस केस में आप जो है यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लीजिए। आ गया डेली कैलेंडर और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कैलेंडर आपको मिलेंगे। इस बस कैटेगरी वाइज है, देखिए यहाँ पे देखिए सीजनल फोटो कैलेंडर आपको दिख गया। बस आपको सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सिंपल सा आपको इस पे फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे आइए और जो कैलेंडर जो चाहिए उस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। दिक्कत हो रही है पता नहीं, पिन नहीं करना है, क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। अभी लग रहा है एक्सेल का मेरे फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने 3-4 दिनों से एक्सेल फाइल बंद नहीं किया ना शायद।
गया ना, बताया था इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो जो भी आपको करना है सीसी क्रोम करना है, क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। डाउनलोड हो रहा है आपका, इसे इंटरनेट होना चाहिए आपका। देखिए आ गया, जनवरी 2021 से शुरू हो गया फरवरी। और यहाँ से आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ ईयर भी चेंज कर सकते हैं, 2021-20 कर सकते हैं। उसके बाद हम बातें हैं आगे, हम बातें हैं ओपन पे। ओपन मतलब कि कोई पर्टिकुलर फाइल को। अब यहाँ पे देखिए होम पे आपके पास रिसेंट जो लिस्ट था बहुत कम था, बट ओपन में आपके पास जो रिसेंट लिस्ट है वो ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ रिसेंट लिस्ट ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आपको सबसे टॉप में आपका पिन मिलेगा, कैटेगरी जी बटा हुआ जो पिन डेटा है आपको सबसे ऊपर मिलेगा, उसके नीचे आपके अपने रिसेंट फाइल्स मिलेंगे। यहाँ से आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो फाइल का नेम, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा लिस्ट है पता नहीं चल रहा है तो। उसके अलावा यहाँ फोल्डर्स हैं, तो यहाँ रिसेंटली जो आपने फोल्डर ओपन किए हैं वो फोल्डर का लिस्ट भी मिल जाएगा। और शेयर विथ मी जो आपको शेयर किया है फाइल, जो मेल वगैरह से आपने या फिर शेयर ड्राइव से जो ओपन किया वो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे डी ड्राइव में किसी जाना है तो आपको दिस पीसी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिस पीसी का रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन आपको ब्राउज फॉर मोड में जाना है। और यहां से आप अपने लोकेशन पे जाइए और फाइल को ओपन करिए। अब बात करते हैं फाइल की इन्फो के बारे में। किसी भी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। अब इन्फो का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक्सेल फाइल्स है, अब मुझे इस फाइल डेटा वन ले लीजिए। अब डेटा वन के अंदर में किस तरह का डेटा है, जब तक मैं इस डेटा को ओपन नहीं करूंगा पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने रिसेंटली इसको बनाया है, जैसे कि कुछ दिन हुए हैं आपको इसको बनाया हुआ है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसको बनाए हुए आपको काफी लंबा टाइम हो गया है, आपकी मेमोरी से आउट हो गई है इसके अंदर किस तरह का डेटा है, तो थोड़ा सा जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन होने में काफी लंबा टाइम लेता है। जी हाँ, ओपन होने में आपको काफी लंबा टाइम लेगा। तो क्या करें इसके लिए हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इसका प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे। जैसे देखिए कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, तो कर्सर रखते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख गया पिवट टेबल फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेट, बेसिक एक्सेल क्लास, मैंने हुआ इससे पता चलेगा कि हाँ ये पिवट टेबल का डेटा है और बेसिक एक्सेल के लिए हमने बनाया हुआ है। तो मुझे इससे रिलेटेड डेटा और देखनी है तो मैं इसको ओपन करूंगा, अदरवाइज चला जाऊंगा ही। और क्योंकि हम अपने लाइफ में फाइल खोजने में काफी टाइम लगा जाता है कि मेरा फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये मदद करेगा। लेकिन कैसे हुआ, तो इसके फाइल की प्रॉपर्टी को हमने मेंटेन किया। तो फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए आप फाइल के ऊपर कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। डिटेल्स में आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और डाल दीजिए, कैटेगरी हो गया, कमेंट हो गया, जो डालना चाहते हो डाल दीजिए और बाहर कर्सर रखते आपको दिख जाएगा। ऑथर नेम है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इन्फो यहां से भी देखा जा सकता है, यहां से भी ऐड किया जा सकता है, बाहर भी ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जगह आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, किसके अंदर कौन कौन वर्क को प्रोटेक्ट है, रीड ओनली में तो नहीं है, जैसे ऑलवेज रीड ओनली। मान लीजिए आपका डेटा ऐसा है तो क्रिटिकल है, वो आपसे डेटा एडिट होने के चांसेस हैं, तो आप रीड ओनली कर दो तो हमेशा फाइल रीड ओनली में ओपन होगा। रीड ओनली में क्या होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, फाइल को सेव नहीं कर सकते। जी हाँ, जो ओरिजिनल फाइल है वो एडिट नहीं होगी और रिप्लेस नहीं होगी डेटा किसी और डेटा, तो ओपन कर सकते हैं। अगर माना कुछ चेंजिंग नहीं किया, चेंजिंग कर लिया लेकिन वो फाइल जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो वो जो है सेव है, जो होगा सेव नहीं होगा, ओरिजिनल डेटा आपका कभी तरह से दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ से सेट कर दीजिए ऑलवेज रीड ओनली, तो रीड ओनली ही ओपन होगा। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हम आगे क्लास में बताएंगे। सेव नॉर्मल सेव या सेव एज होता है, सेव एज करते ही आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना है, किस लोकेशन में सेव करना है, क्या नाम देना है डिसाइड कर सकते हो।
बट यहाँ पे आता है टाइप, सेव एज टाइप। देखिए जनरली एक्सेल को हम तीन फॉर्मेट में यूज करते हैं, पहला एक्सेलस एक्स, दूसरा एक्सेलस एम और तीसरा एक्सेलस एक्सेलस, मतलब कि ये देखिए। तो ये एक्सेल वर्क डिफॉल्ट आपका ये एक्सेल वर्कबुक होता है। तो अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव किया तो इसमें हो सकता है कि अगर फाइल के अंदर में किसी तरह का कोडिंग हो, माइक्रो लगा हुआ हो, तो सारे माइक्रो डिलीट हो जाए, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक जो है माइक्रो को कैरी नहीं करता है। माइक्रो कैरी कौन करता है? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। तो अगर आपको लगता है कि इसमें किसी ने माइक्रो बना के दिया है तो इस फाइल को हमेशा सेव कीजिएगा किसमें? माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। उसके बाद आता है बाइनरी वर्कबुक, जो बहुत बड़ा फाइल है आपको और जब भी ओपन करते हैं तो काफी हैंग होता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम बाइनरी वर्कबुक लेते हैं। अब बाइनरी वर्कबुक मतलब ऐसा नहीं कि 500 MB को 5 MB कर देगा, मतलब कि कुछ साइज कम हो जाएगा, 500 MB है तो उसको 300 MB कर देगा, कुछ साइज रिड्यूस कर देता है। बट इसमें फॉर्मूले और बाकी चीजें सेव करने से दिक्कत हो सकती है, सिर्फ डेटा रखिएगा। 97 से 2003 एक पुराना वर्जन है जी, 2007 से हमारा एक्सटेंशन चेंज हो गया, .xlsx हो गया, लेकिन उससे पहले हमारा xls था। तो अगर आपने 97 से 2005 में सेव किया तो आपका जो है 65,000 समथिंग ही रो रहेगा, 10 लाख रो नहीं हो, ठीक है? ये चीज है, मतलब कि 65,000 ये जो रो है ना हमारा, ये 10 लाख रो है ना, 10 लाख 40,576, ये 65,000 ही रहते हैं एक्सेस फाइल। और वो भी बहुत सारे फीचर जो अपग्रेडेड है वो फीचर डिसेबल हो जाता है। तो सेव एज हो गया। प्रिंट वगैरह तो नॉर्मल प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आगे हम बताएंगे आपको। शेयर है आपका जो वन ड्राइव या फिर जो आपकी इंटरनेट रिलेटेड चीजें है उसको शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश, पावर बी आई अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट पावर बी आई पे अपलोड कर सकते हैं। क्लोज, यहाँ से फाइल को क्लोज कर। अब बात करते हैं अकाउंट। अब अकाउंट जैसे कि दो चीजें हैं, इंडिया में दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो किए जाते हैं, पहला लाइसेंस वर्जन, दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट वर्जन है तो ये अकाउंट में कुछ नहीं करने की जरूरत है, जी हाँ कुछ नहीं करने की जरूरत है। बट अगर आपका अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ देख रहे हैं iptindia@outlook.com को मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको परचेज किया हुआ है, पहला लाइसेंस वर्जन। लाइसेंस वर्जन का फायदा क्या होता है? एक तो हमें क्लाउड पे अच्छा खासा स्पेस मिलता है, दूसरा हम एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपडेट नाउ कर दिया, तो क्या हुआ कि चेक करेगा कि कुछ अपडेटिंग, कुछ नया चीज तो नहीं आया। देखिए कुछ नया चीज भी नहीं आया, कुछ नया चीज आया होगा तो मेरा एक्सेल अपने ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्सेल में डाल देगा या ऑफिस में डाल देगा। तो अकाउंट में वो चीजें होती है। दूसरी फीडबैक, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कुछ सजेशन देना है, हमारा कोई फॉर्मूला सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पे सेंड ए सजेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो हो सकता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम ने सजेशन को सीरियस लिया तो वो चीज फीचर्स एक्सेल में डाल देगा, और डाल देगा तो फिर आप डाउनलोड अपडेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका वो चीज अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पहली दूसरी क्लास में आप ऑप्शन क्यों पढ़ा रहे हैं एक्सेल की सेटिंग, क्योंकि हम लोग जनरली लोग मोबाइल वगैरह बच्चा थे तो मोबाइल वगैरह मिलता था तो सब बोलते हैं छेड़छाड़ मत करना, सेटिंग में मत जाना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए इसलिए क्योंकि बच्चे रहे नहीं। दूसरा चीज कि जब भी कोई नई चीज हम लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आपने सेल फोन ही लिया तो उसका वॉल पेपर, उसका रिंग टोन वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से जो हमारा एक्सेल फाइल है ये भी हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है, इसलिए हम इसका यूज करें। लेकिन इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे।